जय हिंद साथियों, मैं जैसे ही आपका अपने चैनल प्रयाग भवन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो भाई जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आपकी फाइनल आंसर की जो वगैरह रिलीज हो चुकी है, ठीक है। आप लोग अपना आंसर की भी चेक कर चुके होंगे, ठीक है। और अब भाई कोई भी डाउट नहीं है सबके मन में, ठीक है। सबके मन में भाई ये भी सवाल जो उठ रहे थे कि हमारा रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा, तो उसका भी भाई बोर्ड ने क्या कहता है आपका निवारण कर दिया, ठीक है। आपको एक एग्जैक्ट भाई फाइनल डेट बता दिया, ठीक है, कि आपका तृतीय सप्ताह में मतलब नवंबर के तृतीय थर्ड वीक में लगभग आपका 20 नवंबर के आसपास आपकी रिजल्ट डेट भाई आ जाएगी, ठीक है। रिजल्ट आपका आ जाएगा तो इसका मतलब होता है कि रिजल्ट आपका तब आ जाएगा, तो मतलब 2-4 दिन 5 दिन बाद, मतलब मान चलेगी 25 नवंबर से लगभग भाई, कम से कम भाई डिले भी होगा तो 25 नवंबर से आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मान चलिए आपके पास बिल्कुल ज़्यादा समय है ही नहीं, ठीक है। अब आज हो गए 3 तारीख, 3 नवंबर हो गया, ठीक, 25 मतलब 20-22 दिन का समय है आपके पास। तो भाई अब हमको सबको रनिंग कर देनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने जैसे कि भाई आप लोगों ने भाई थंबनेल में देखा ही होगा, हमने भी भाई रनिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और अब आज हमारा थोड़ा फर्स्ट डे था भाई, रनिंग तो ज़्यादा अच्छे से की नहीं, ठीक है, नॉर्मली हम दौड़ रहे थे, ठीक है। और मैंने भाई अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी दिखाया जब मैं लास्ट बार दौड़ा था, मेरा जैसा कि आप सभी को पता भी होगा मेरा फिजिकल था जीडी का, एसएससी जीडी का था, 7 अक्टूबर को मेरा फिजिकल था, ठीक है। तो मैं लगभग 4 या 5 अक्टूबर को दौड़ा था, ठीक है। तो उसमें मेरा जो समय लगा था भाई 24:47 लगा था, तब मैं बहुत अच्छी रनिंग मेरी करता भी था, लेकिन मैं मेरी टाइमिंग अंदर नहीं आती, थोड़ा इशू था 24 के अंदर नहीं आती थी, लेकिन मैं वहाँ पे जाके 24 के अंदर गया, लगभग 23 तक मैंने रनिंग वहाँ पे कंप्लीट कर ली थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भाई जोश अलग होता है। तो मैंने भाई आज फिर से एक बार रनिंग स्टार्ट करने की कोशिश की, तो मेरा जो टाइमिंग लगा है आप लोगों ने देखा ही होगा 28:16 लगा है, ठीक है। और पिछली बार जो रनिंग थी भाई 24:47 में, उसमें क्या था, उसमें मैंने 5130 मीटर दौड़ा है, तो ठीक है, मतलब कि 5 मीटर अगर मैं दौड़ता तो मैं 24 के अंदर मार देता हूँ, 24 के अंदर ही आया था मेरा, मतलब 23:57 तक मेरा आया था लगभग टाइमिंग। तो ये मान चलिए भाई कि अब हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, ठीक है। जो लोग भाई समय ज़्यादा गंवाने में लगे हैं उनको मैं एक चीज़ बता दूं भाई कि आपके पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, ठीक है। आप लोग अभी से भाई रनिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैं भी रनिंग अब भाई डेली कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। आज तो थोड़ी बहुत की है, ठीक है, कल से मैं बहुत अच्छे से रनिंग करने वाला हूँ, ठीक है। और मैं अपने सभी भाइयों को मैं क्या कहते हैं सलाह भी दूंगा कि आप लोग अगर किसी को कोई मोटिवेशन ना मिला हो तो मैं अपना रोज़ का डेली का टारगेट मैं अपना कंप्लीट करूँगा और आपके सामने मैं वीडियो भी लेके आऊँगा, मैं अपना बताऊँगा कि मैंने आज कैसे रनिंग की, डेली रूटीन टारगेट जो है मेरा मैं आपको बताऊँगा कैसे रनिंग, क्या मैं डाइट ले रहा हूँ, सब कुछ बताऊँगा। तो आप लोग अगर उसको भी फॉलो करते रहोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और मैं भी भाई रनिंग मतलब 1 महीने हो गया छोड़े हुए, तो मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, दर्द होता है भाई, सबको दर्द होता है, मुझे भी दर्द हो रहा है, ठीक है। लड़के लड़कियाँ मैं सबको बताना चाहूँगा कि भैया रनिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। लड़कियों के लिए मैं सबसे मेन विशेष चीज़ बता दूँ भाई, देखिए अब आपके पास बिल्कुल मतलब लड़कियों के लड़कों क्या मतलब किसी के पास समय नहीं है, लेकिन लड़कियों को मैं बता दूँ कि देखिए विशेष आपके किसी के ऊपर ध्यान ना दीजिए, ठीक है। आपके आस पड़ोस, आपके अगल बगल रिश्तेदार सब लोग बोल रहे होंगे कि भैया रनिंग मत करो, क्योंकि अब तो मतलब मार्क्स वैसे भी सबके कैंसिल हो रहे हैं, आंसर की में भी इतना फ्रॉड है। तो मैं कह रहा हूँ भाई आप किसी की ना सुनो, ठीक है, सिर्फ आप अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो, आप जो करना है आप अपने खुद से करो, क्योंकि जब आप घर में बैठे रहोगे तो आपका कोई सहारा नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप भाई काम में लगे रहोगे, आप कुछ पैसा कमाते रहोगे ना, तो आपके पास 70 लोग आपके पीछे घूमते रहेंगे। इसलिए मैं आप सभी को बता दूं भाई, प्लीज़ यार आप लोग रनिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। कोई भी अगर भाई ऐसा अगर कोई मेरे कमेंट में लिखता है ना कि भाई कौन कौन मेरी तरह भाई रिजल्ट आने के बाद रनिंग करेगा, तो भाई मेरी एकदम सुलग जाती है, हड्डी सुलग जाती है। मैं कहता हूँ भाई रिजल्ट आने के बाद रनिंग क्या रनिंग करोगे बताओ। अब मैं आपसे भाई विनम्र गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश, मेरा एक ही हाथ खाली नहीं, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे रनिंग करे के लिए गुजारिश करता कि भाई अब तो रनिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि अब जो रनिंग नहीं करेगा वो बहुत ही बुरा मार खाएगा, जान लो, बहुत ही बुरा मार खाएगा भाई फिजिकल में, इतना जान लो। फिजिकल भाई जानते क्या होता है, ऐसे ऐसे लड़के मिल जाएंगे आपको भाई डिमोटिवेट कर देते हैं, तो आप भाई उनसे डिमोटिवेट ना होइए। हमारे साथ में कई लड़के ऐसे मिले थे भाई जो हमें बोल रहे थे कि हमारी रनिंग 27, 28, 29, 30 में आती है, मैं दौड़ ही नहीं पाता 5 मिनट भाई। उनको मैंने देखा था भाई वो सबसे आगे थे, उन्होंने भाई 20-21 मिनट में ही रनिंग कंप्लीट कर ली थी। तो भाई ऐसे लोगों से हमें बचना है, ठीक है, और हमें डेली भाई रनिंग करनी है। देखिए सबसे मेन बात बता दूँ मैं, अगर आप डेली रनिंग करने जा रहे हो लड़कों के लिए लड़कियों के लिए दोनों के लिए बता दो, जितना आपका है लड़कियों के लिए 2.4 किलोमीटर वो भी है, 2.4 किलोमीटर आपका है 14 मिनट के अंदर, लड़कों के लिए 4.8 किलोमीटर आपका है 25 मिनट में, ठीक है। तो उसमें सबसे मेन बात क्या है कि अगर आप भाई देखिए डेली रनिंग करने जा रहे हो, मान लीजिए लड़कों के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं 3 किलोमीटर दौड़े उसके बाद आपका दौड़ने मन कर, लेकिन आप धीरे धीरे ही दौड़िए, धीरे धीरे दौड़िए, मान लीजिए 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन आप 5 किलोमीटर डेली कंप्लीट करिए प्लीज़ यार, मेरी बात मानिए। क्योंकि मैंने भाई पिछली बार फेस किया था, लास्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आपके पास उतना समय नहीं रहेगा, और आप भाई उतना अगर आप डर के दौड़ोगे भाई रनिंग नहीं होती, ठीक है। तो अगर आप भाई
अभी से लगातार रनिंग करते रहोगे तो आपके लिए भाई बहुत बेनिफिट रहेगा, आपके लिए मतलब सही भी रहेगा। और लड़के के लिए बता दूँ, अगर 2.4 किलोमीटर है, अगर 1.5 किलोमीटर दौड़ने के बाद, 16 किलोमीटर दौड़ने के बाद नहीं जान है दौड़ने की, तब भी दौड़ो, ज़बरदस्ती दौड़ो, चाहे जैसे दौड़ो 2.4 किलोमीटर कंप्लीट करो। क्योंकि अगर आप डेली रूटीन में अगर भाई जितना टारगेट है उतना कंप्लीट कर रहे हो तो वहाँ भी कंप्लीट कर लोगे। और अगर भाई 1 किलोमीटर बाद रुकने की आदत है, 3 किलोमीटर बाद रुकने की आदत है, तो वही चीज़ भाई वहाँ पर भी रुकने की आदत भाई अपने आप से अंदर से भाई जनरेट हो जाएगी। मैंने भाई देखा था भाई बहुत अच्छे से मेरे से अच्छी रनिंग करने वाले लड़के वहाँ पे भाई 3 किलोमीटर बाद रुक गए थे, ठीक है 3.5 बार। अगर एक बार सुनो, अगर आप एक बार भी रुके तो अगर आप सोचते हो भाई मेरी मैं रनर हूँ, बहुत अच्छा राइडर हूँ, रेसर हूँ, तो कभी रेस नहीं निकलेगी। अगर एक बार रुक गए ना तो पैर इतना जाम हो जाता, भर जाता, पैर में मसल्स इतनी भर जाती हैं भाई, जाम हो जाती हैं, लैक्टिक एसिड नहीं होता भाई, जमा हो जाता है उसमें, इसीलिए वहाँ थकान और दर्द महसूस होगा। फिर उसके बाद आपका पैर उठेगा नहीं, आप दौड़ने की तो बात ही छोड़ो, चल नहीं पाओगे पूरा, आप अपने ट्रैक पे लौट कर नहीं आ पाओगे। इसलिए मैं बता दूँ भाई वहाँ पे रुकना तो बिल्कुल नहीं है। जो भी अगर सोचा है कि भाई मैं 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद रुक जाऊँगा, फिर आधा किलोमीटर पैदल चलूँगा, फिर दौड़ूंगा, भाई तो वो लोग अभी से बाहर हो, समझ रहे हो, बिल्कुल रुकना तो है ही नहीं। जहाँ मन करेगा, मैं लग रहा है बहुत मैं थक गया हूँ, धीरे धीरे रनिंग करो, धीरे धीरे उसके बाद फिर से पेस भरो। मैंने ही भाई यही चीज़ फॉलो किया था मेरा GD की रेस में, ठीक है। मैं भी मतलब लगभग 3-3.5 किलोमीटर बाद मेरी मतलब मन में मेरे बॉडी में इतना पेन हो रहा था, मेरी इतना हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैं रनिंग की भाई जब मेरा 2 चक्कर बचा था तो मैंने 1 चक्कर भाई अपने पापा के नाम पे दौड़ा था, और लास्ट चक्कर भाई मैं मतलब ऐसे सोच लो कि मैं भगवान का नाम लेके मतलब मैं कुछ भी ऐसे जो भी मन में मेरे था, मैंने जो मन्नत मांगी थी मैंने सब कुछ भाई साथ मैंने याद करके बस उसी को मैं रटते रटते मैं दौड़ गया बजान लो, इस तरह जान लगा दिया था। मतलब भाई ऐसे ही रनिंग निकलती है, आसान नहीं होती। जो लोग बोलते हैं भाई किस्मत से मिली ना, उनकी पिछवाड़े पट्टा बजाने की मतलब मन करता है कि पट्टा बजा दूँ मैं, तो भाई ऐसे ही मोटिवेटेड रहो, ठीक है, रनिंग करते रहो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सही भाई को जय हिंद, जय भारत।